प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। केंद्रीय विश्वविद्यालय में थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति में विस्थापितों को प्राथमिकता मिलेगी। विश्वविद्यालय के सभी संकायों में कम से कम 5 स्थानीय विद्यार्थियों का नामांकन होगा। इसके अलावा जब तक रैयतों को भूमि का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। यह निर्णय रविवार को विश्वविद्यालय के चेरी मनातू स्थित परिसर में भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कत और रैयतों को मुआवजा और पुनर्वास को लेकर आयोजित की गई बैठक में लिया गया है। बैठक में मुख्य रूप से सांसद संजय सेठ, विधायक बंधु तिर्की, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास, धर्मगुरु बंधन तिग्गा, SDO अपर समाहर्ता जिला भू अर्जन पदाधिकारी कांके, CO कांके थाना पुलिस और ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि कैंपस निर्माण में कुल 500 एकड़ भूमि में से 139.17 एकड़ रैयत भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जाना है, ताकि पहुंच पथ सहित 4 दीवारी, पेयजल आपूर्ति, हॉस्टल भवन, विद्युत सब स्टेशन आदि का निर्माण हो सके। रैयतों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण मामला लटक गया है। रैयतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। नए कुलपति प्रोफेसर दास ने इस मामले को बातचीत के माध्यम से हल निकालने का प्रयास करने की बात कही है। इससे पहले जनवरी में जिला प्रशासन के अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा रखी थी, लेकिन बात नहीं बनने के कारण सभा को स्थगित करना पड़ा था। विश्वविद्यालय में भूमि अधिग्रहण को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर मामला निपटाने का निर्देश दिया था। बैठक में कहा गया है कि ग्रामीण और विस्थापितों के लिए स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन को ही करना होगा। अगली बैठक अब रांची उपायुक्त की अध्यक्षता में होगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।